गुजरात के सूरत में एक साथ तीन लोगों की हत्या से पूरा शहर थर्रा गया है। एक हैंडलूम कारखाने के मालिक, मालिक के बेटे और एक रिश्तेदार की उसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर ने हत्या कर दी। तो हत्या का यह मामला सूरत के एक कपड़े के कारखाने का है। पूरी घटना कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मालिक और मालिक के बेटे समेत तीन लोगों की हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया में अंजलि इंडस्ट्री नाम का एक कारखाना है। कारखाने के मालिक और मालिक के बेटे और एक रिश्तेदार की रविवार को हत्या हो गई। हत्या का आरोप उसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर लगा है। तो चाकू से हमले से गंभीर रूप से घायल तीनों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि मालिक की एक व्यक्ति के साथ बहस हो रही है। तो बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी मजदूर को मालिक ने कारखाने की नौकरी से निकाल दिया था। पैसों की लेन देन को लेकर भी मालिक और मजदूर में विवाद था। तो आशंका जताई जा रही है कि नौकरी से निकाले जाने के कारण मजदूर ने मालिक, मालिक के बेटे और मालिक के रिश्तेदार पर चाकू से हमला बोल दिया और एक के बाद एक कई वार किए और उनकी हत्या कर दी।